आदरणीय भगवान, भारतीय शेयर मार्केट कुछ दिनों से सहमा हुआ था। जिस बात का डर था वही हुआ। सेबी ने एक नहीं छह छह ताबड़तोड़ नियम बना दिए कि एफएनओ वॉल्यूम को गिराया जाए। पहला सबसे घातक जो निर्णय लिया गया है वो यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की साइज है, जो अभी 5 से 10 लाख हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर मिनिमम 15 लाख कर दिया गया है। इसके सरल शब्दों में मायने यह है कि जैसे निफ्टी का अभी लॉट 6 लाख का था, तो वह भविष्य में 15 लाख का हो जाएगा। लगभग 2.5 गुना लॉट साइज हो जाएगी। तो मुद्दे की बात यह है कि अभी जो मैं अपने क्लाइंट से कहता था कि यदि आपके पास 6 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसके सामने आप एक लॉट पुट का बाय कर सकते हैं अथवा एक लॉट फ्यूचर का सेल कर सकते हैं। तो अब मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा रहेगा कि 6 लाख नहीं, कम से कम आपके पास 15 लाख का पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी आप हेजिंग कर सकते हैं। यदि 15 लाख का पोर्टफोलियो है, तभी आप कॉल पुट में कारोबार कीजिए। मोटा मोटी बता रहा हूं, वैसे देखा जाए तो 7 लाख से भी, जी हाँ 7 लाख से भी काम चल सकता है, क्योंकि पुट में जो डेल्टा होता है वो जस्ट आधा होता है। तो ये बात तो पक्की है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज के बढ़ने से भविष्य में जो एफएनओ वॉल्यूम्स हैं वो कम होंगे। पहले जो लोग 2 लॉट खरीदते थे, अब वह 1 लॉट खरीदेंगे, ट्रांजेक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, 15 लाख का मिनिमम पोर्टफोलियो। जाहिर है लोग बाग कम ट्रेड करेंगे, ऐसी संभावना है। दूसरा, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वह बढ़ा दी गई है। साथ में कैलेंडर स्प्रेड जो होते थे, जिसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता था, वो भी हट गया है। अब यदि कॉल पुट सेल किए जाएंगे, फ्यूचर सेल किया जाएगा, बाय किया जाएगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट निश्चित रूप से बढ़ गई है। और कैलेंडर स्प्रेड जो धड़ल्ले से बनाए जाते थे, जिसमें लॉस की संभावना बेहद कम होती थी, उनमें भाई साहब दिक्कत हो गई है। साथ में डेली डेली दिन में 3-4 बार एक्सचेंजेस मॉनिटर करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो अनाप शनाप ट्रेडिंग होने लगे। अगर ऐसा हुआ तो बैन भी लगाए जा सकते हैं। साथ में अभी जो है हर एक्सचेंजेस में तमाम कॉन्ट्रैक्ट हो चले हैं, उनके चलते कंफ्यूजन होता है, लोगों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। किंतु अब क्या होगा, तो हर एक्सचेंज केवल और केवल एक ही इंडेक्स पर वीकली एक्सपायरी दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो वीकली सट्टेबाजी है वह कम हो जाएगी। हो सकता है निफ्टी के ऊपर ही वीकली एक्सपायरी हो एनएसई में, और इसी तरह बीएसई भी अपना एक इंडेक्स चुन सकता है। तो ओवरऑल ये जो कदम उठाए गए हैं वो सट्टेबाजी को कम करने के लिए किए गए हैं। आमतौर पर जो लोग सीरियस निवेशक हैं और आप में से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उन पर इन चीजों का ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो वैसे भी 5 वर्षों से समय से पहले आपसे कह रहा हूं कि हमें ये सट्टेबाजी का काम नहीं करना चाहिए, हमें कम खेलना है, हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड उठाने हैं, जिस तरह बड़े फंड मैनेजर किया करते हैं। तो हमारी राह कल भी सही थी, आज भी सही है, कल भी होती रहेगी, जब धीरे धीरे सेबी के ये नियम कायदे लागू होते रहेंगे। तो चिंता का कोई कारण नहीं है, सेबी के बदलते नियमानुसार जो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रिकमेंडेशन मैं अपने क्लाइंट्स को देता रहा हूँ, देता रहूंगा। आपकी सेवा करना भी मेरी खुशी होगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।